सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज फाइनली ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म फाइटर का टीज़र आ गया। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने कि वॉर, पठान एंड बैंग बैंग जैसी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया है। एंड पठान को डायरेक्ट करने के बाद तो वो बॉलीवुड के पहले डायरेक्टर बन गए हैं जिन्होंने कि विदाउट चाइना वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ की फिल्म दी है। तो अब वो सिद्धार्थ आनंद से लॉर्ड सिद्धार्थ आनंद बन गए हैं। फाइटर में ऋतिक रोशन के अलावा अनिल कपूर एंड दीपिका पादुकोण भी होने वाली है। एंड फाइटर इंडिया की पहली एरियल एक्शन फिल्म होने वाली है, अगर हम कंगना रनौत की तेजस को छोड़ दे तो, क्योंकि वो कोई साधारण फिल्म नहीं थी। और उस पर से हम कंगना रनौत की फिल्म को ऋतिक रोशन की फिल्म के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते, गलती से भी नहीं। खैर, अगर मैं इस टीज़र की बात करूँ तो ये टीज़र मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया ना देते हुए जो एक्शन सीन्स हैं उन्हीं के बहुत ही छोटे छोटे कट्स हम लोगों को दिखाए गए हैं, कुछ इमोशनल सीन्स हम लोगों को दिखाए गए हैं, एंड जो फाइटिंग सीन्स होने वाले हैं उनके थोड़े कट्स हम लोगों को दिखाए गए हैं। एंड जो बाकी के एक्टर्स हैं अनिल कपूर एंड दीपिका पादुकोण, उनके लुक्स हम लोगों को दिखाए गए हैं टीज़र में। सो टीज़र मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। एंड सिद्धार्थ आनंद के ऊपर भी पूरा भरोसा है कि उन्होंने एक अच्छी फिल्म ही बनाई होगी, बिकॉज इनके पहले ही उन्होंने जितनी भी एक्शन फिल्में बनाई हैं वो सारी फिल्में बहुत ही ज़्यादा सही रही है। एक्शन फिल्में बनाने में सिद्धार्थ आनंद का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, स्पेशली ऐसी काइंड ऑफ हॉलीवुड स्टाइल एक्शन फिल्में सिद्धार्थ आनंद से बेहतर कोई बना भी नहीं सकता। एंड रही बात ऋतिक रोशन की, तो यार उनको तो जिस तरीके से प्रेजेंट करेंगे सिद्धार्थ आनंद, लोग हमेशा याद रखेंगे। आप लोग वॉर का एंट्री सीन याद कर लो, वो लोगों को अभी तक याद है। एनएनओ की टीज़र देखते वक्त बहुत सारे लोगों को टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन मेमोरी की याद आ गई होगी, पर क्या कर सकते हैं, दोनों ही एरियल एक्शन फिल्म है तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ तो होनी ही थी। प्लस सिद्धार्थ आनंद खुद हॉलीवुड मूवीज से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ सीन्स एग्जैक्टली वैसे रखे हैं। बाकी ऋतिक रोशन तो है ही इतने बड़े स्टार, आई थिंक सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय, अजय, इन पाँचों के अलावा अगर कोई अगला स्टार आने वाला है तो वो एक तो रणबीर कपूर है एंड एक ऋतिक रोशन है। एंड आई नो कि शाहरुख खान ने कहा था कि आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, पर आई थिंक उन्होंने गलत कहा था, बिकॉज वो स्टार नहीं है, वो ग्लोबल मेगा स्टार है, तो उनके लिए अलग कैटेगरी है। तो स्टार जाते रहेंगे बट कोई शाहरुख सर जैसा नहीं बन सकता। सो ऋतिक रोशन भी इस फिल्म को अलग ही लेवल पे लेके जाने वाले हैं एंड सिद्धार्थ आनंद के ऊपर पूरा भरोसा तो है ही। सो लेट्स सी कि फिल्म कैसी बनती है, अभी ट्रेलर का आना बाकी है, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। आप लोगों को टीजर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।